Hello everyone. Good morning guys. Welcome back to the channel. Today we are going to study subject geography topic 5, temperature. Guys, before starting this, earlier we already studied chapter 4, name weather and the climate. And in this we were already seeing the types of climate. And after that, skip back. जब हमने first part start किया था temperature का, so in it we have seen the distribution of the sun rays. Also, we will study about what is temperature. हमने ये भी study किया था temperature क्या है. Done. So apart from this, इसके अलावा हमने इसके base पे कुछ questions भी solve किए हैं. That's right. So I think you got the point, like कि temperature है क्या और किस तरीके से ये up and down होता है. Done. So now today we will start the further one. हम आज इसके आगे का start करेंगे. Done. So guys, start करने से पहले हम एक diagram देखेंगे. We will study with the help of diagram. Diagram study करने के बाद actual जो आपके टेस्ट बुक में diagram दिया हम उस पर इधर नोट डालेंगे. And then we'll see like कि हमने जो study किया था क्या वो actual आपके diagram में दिया है टेस्ट बुक में. So let's start now. See guys, we'll draw one diagram. At present, I don't have the rounder. Even though we'll draw with this border tape. Fine. So let's start now. Same हुआ, see guys,
जीरो डिग्री से ऊपर जाएंगे हमारा वही है, जीरो डिग्री से नीचे जाएंगे हमारा वही है। फर्क क्या है, हम ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ है, नीचे जाएंगे तो साउथ है। डन। अब इसके ऊपर आते से ये हमारा 90 डिग्री है। क्या है ये? 90 डिग्री। सी थर्ड चार्ट में मैंने आपको बताया था कि अपना जो लॉन्गिट्यूड होता है इज ऑफ 180 डिग्री, मतलब सॉरी इज ऑफ 360। हमारा जो स्टैंडिंग लाइन होता है ना उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, वो कितना होता है हमारा? 360 होता है। बट अपना जो लैटिट्यूड होता है गाइस, लैटिट्यूड वो कितना होता है हमारा? 180। डन। अब वो 90-90 अलग अलग होता है, राइट? आपको थर्ड चैप्टर में मैंने इसका डिटेल बताया। सो ये आपका क्या है? 90 डिग्री है। नीचे भी आपको वही आएगा 90 डिग्री। 90 से ये 90 प्लस ये 90 इज इक्वल टू 180। डन। ओके, सो ये आपको पॉइंट मिला। अभी सी गाइस, ये 66 यहां से हमने क्या देखा? टेंपरेचर। सो कंपेयरिंग टू दिस वी हैविंग द लेस फेस ऑफ सन। अभी गाइस ये टेंपरेचर जोन, स्टिल वन मोर जोन इज रिमेनिंग, यू नो व्हाट? वेरी गुड। हां, कौन सा जोन पता है? बाकी है फ्रीज जोन। यस, कौन सा बाकी है? फ्रीज जोन। अब सी गाइस, अगर यहां पे स्लैंटिंग होता है सो यहां पे क्या रिजल्ट रहेगा? हां, एक्सट्रीमली स्लैंटिंग। यहां पे क्या है? Extremely slanting, मतलब बहुत ही ज्यादा तिरछा रेस किसका आ रहा है? सन का आ रहा है। बहुत ही ज्यादा तिरछा यहाँ पे किसका आ रहा है रेस? सन का आ रहा है। सो यू जस्ट गिव द आंसर गाइस कि आप अगर टोरेड जोन में परपेंडिकुलर रेस है, यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम एकदम कम तिरछा रेस आ रहा है, सो क्या यहाँ पे हीटिंग ज्यादा होगा और यहाँ पे होगा? यस, यहाँ पे ज्यादा होगा। एंड यू आर हैविंग द लेस रेस ऑफ सन। So, इसके लिए तो बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा रीजन क्या है? ठंडा ज्यादा होता है, इसको ही बोलते हैं हम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल किसको बोलते हैं? यस को। सी रीजन क्या था? यहाँ पे रेस कम होता है। अब रेस जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ठंडी ज्यादा होगी। डन। सो यहाँ पे हमारा ठंडा ज्यादा होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, लाइक कि क्या है ये और कैसा जोन, व्हाट द जोन इज, क्या है ये जोन? सो वी हैव सीन टोरेड जोन का मतलब क्या होता है? वहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी क्यों ज्यादा होती है? तो वी हैव सीन द रीजंस व्हाई वी गेट टू बी अ हायर रेस ऑफ सन। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सीन द टेंपरेचर जोन, है? यहाँ पे भी हमने देख लिया बहुत ज्यादा गर्मी नहीं तो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं, बट हियर वी हैव सीन बहुत ज्यादा ठंडी बट लेस हीट, रीजन लेस रेस ऑफ सन। व्हाट द पॉइंट? नाउ ये तो हमने ड्रॉ किया, अब नाउ वी हैविंग द एक्चुअल डायग्राम। सी हियर, ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है गाइस। दिस डायग्राम इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सी गाइस, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉ, हमने ड्रॉ किया था कुछ ऐसे ही डायग्राम, है ना? ये एक सर्कल है आपका। अब सर्कल में सीधी ये मिडल वाली लाइन है एंड दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर लाइन। दिख रहा है यहां पे 0 डिग्री से पास हुआ है, है ना? 0 डिग्री से ऊपर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों बोला? क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट? सो नॉर्थ। उसके आगे 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, वापस वही है, ये 90 डिग्री है। सेम आप नीचे जाएंगे, आपका नंबर वही है बट आपका डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हुआ, ये नॉर्थ था, ये आपके आ गया साउथ आ गया। डन। मैंने आपको क्या बताया? टोरेड जोन बताया, मतलब इस लाइन से इस लाइन। आप मैप में देखोगे गाइस तो आपकी जो ये लाइन होती है ये कौन सी लाइन होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। कौन सी लाइन होती है? ट्रॉपिक ऑफ क्या बोला है? टोरेड जोन। रीजन मैंने बता दिया, वही सेम आपका टेम्परेट है, यहाँ पे भी टेम्परेट, यहाँ फ्रीज जोन, यहाँ फ्रीज जोन। रीजन मैंने बता दिया, फ्रीज जोन क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेस ऑफ सन। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी हैव द क्वेश्चन, कम ऑन लेट्स सॉल्व नाउ। सी हियर, कैन यू टेल, इट मींस आपको बताना है, इवन दो मैं हूं तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। सी हियर, हाउ विल द रेस फॉल बिटवीन, अब तो आपको पता होगा कि किस तरीके से रेस फॉल होगा। सी हियर, फर्स्ट वन 0 डिग्री एंड 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ।
Come on guys, give the answer. See ya. इसमें क्या बोला है कि रेस किस तरीके से फॉल होगा, किसके किसके बीच में? So 0 डिग्री से 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. See ya. ये है 0 डिग्री. See, नॉर्थ और साउथ दोनों पूछा है. So 0 डिग्री to 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ to 23 डिग्री 30 मिनट साउथ. Come on, give the answer guys. यहाँ का रेस फॉल कैसा होगा? Yes, perpendicular race. Perpendicular rays of sun. Very good. कैसा रेस होगा? Perpendicular होगा. Perpendicular मतलब एकदम सीधा. मैंने आपको बताया था डायग्राम ड्रा करके कि यहाँ का रेस जो एकदम सीधा होता है. Okay. Second question. 23 degree 30 minute and 66 degree 30 minute north and south. इन दोनों के बीच में सन का रेस कैसा फॉल होगा? So see here guys. 23 degree 30 minute north to 66 degree 30 minute north. अब हमें यहाँ पे भी देखना है और यहाँ पे भी देखना है. मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ तो परपेंडिकुलर आया बट यहाँ पे रेस कैसा आया था? Yes, very good, slanting rays. So आपका आंसर क्या देना है यहाँ पे? Slanting rays of sun. आप इसको आंसर देते समय अपनी वर्डिंग को आगे पीछे भी कर सकते हैं बट आपका आंसर स्लैंडिंग होगा. डन. नाउ थर्ड थिंग, 66 डिग्री 30 मिनट एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. आई होप आपको आंसर आ ही गया होगा. सी यार, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ नॉर्थ टू सी 90 डिग्री नॉर्थ है. फाइन, यही हमें साउथ में भी देखना है. 66 डिग्री 30 मिनट साउथ टू 90 डिग्री साउथ. फाइन, अब यहाँ पे आपको सन का रेस कैसा मिल रहा है? कम ऑन, गिव द आंसर ना. कैसा मिल रहा है? लेस, एक्सट्रीमली स्लैंटिंग. यस, तो आपको क्या आंसर देना है यहाँ पे? एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेस ऑफ सन किसके किसके बीच में? सो बिटवीन 66 डिग्री 30 मिनट एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. गॉट द आंसर? आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि ये रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऊपर की तरफ एंड नीचे डाउन की तरफ. डन. सो नाइस. नाउ गाइस, स्टिल येट वी कंप्लीटेड द आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टिल वी हैविंग द वन मोर पिक्चर व्हिच इज गिवन इन द टेस्ट बुक. सो कम ऑन गाइस, आप उस पिक्चर को देखो और कुछ और एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करो. नाउ यू गाइस प्लीज लुक दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर को देखने की कोशिश करो कि पिक्चर में क्या बताया है. ठीक है गाइस, एक्चुअली ये अपने को एक प्रैक्टिकली बताया है और हम ये अपने घर पे भी कर सकते हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट. यू नो व्हाट, ये क्या दिया हुआ है? सी, ये एक्चुअली एक पॉट में बर्तन, एक्चुअली ये बर्तन है बट हम कुछ भी किसी में भी पानी ले सकते हैं. सो हम दो पॉट लेंगे, एक पॉट को पानी से फिल करेंगे, दूसरी पॉट को भी पानी से फिल करेंगे. इसमें क्या बताया है, पानी से फिल करने के बाद एक जो है इस बर्तन को घर में रखा हुआ है, इनसाइड द हाउस, और दूसरा क्या है, आउटसाइड द हाउस रखा हुआ है. ठीक है, अब आप इसको टेरेस पे रख सकते हैं. सी, हमें रखना बाहर है बट ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सन का रेस होना चाहिए, मतलब पड़ना चाहिए. ऐसा नहीं कि लाइक कि हम किसी के अंदर छुपा के रख दें, वैसा नहीं. फाइन, सो ये बाहर रखा हुआ है जहाँ पे सन का रेस दिख रहा है और ये घर के अंदर रखा हुआ है. फाइन, अभी अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा करना क्या है कि अपने को विदाउट वेयरिंग द शूज एंड ऑल, मतलब बिगर चप्पल पहने हमें घर में वॉक करना है आफ्टरनून के टाइम, मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम. और वही सेम चीज़ें हमें बाहर भी करना है, जो हमने टेरेस पे पॉट में पानी में पानी को भर के रखा है वहाँ पे भी हमें वही काम करना है. अभी देखना है लाइक कि मैंने घर में तो विदाउट वेयरिंग स्लीपर मैंने वॉक किया तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ बट मैं विदाउट वेयरिंग स्लीपर मैं बाहर टेरिस पे वॉक कर रही हूँ ड्यूरिंग टाइम ऑफ आफ्टरनून तो मुझे कैसा फील होगा. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम जब समर वेकेशन में गांव में जाते हैं और सन का रेस जब ओवरहेड होता है, गर्मी बहुत होती है और हम विदाउट चप्पल अगर हम वॉक करते हैं तो हमारे पैरों में कैसा लगता है, चक्का लगता है. मैं राइट? सो ये भी कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपको बताया है कि ये घर के अंदर का वो पानी है सो कितना गर्म होगा और मैंने टेरेस पे रखा है वो कितना गर्म होगा. राइट, मॉर्निंग में कितना गर्म होगा, आफ्टरनून में कैसा होगा और फिर इवनिंग में कैसा होगा.
और सेम मैंने दूसरा क्या एग्जांपल दिया आपको, स्लीपर का दिया, राइट, स्लीपर का, कि आप वियर करते हो घर में पहन के तो कैसा लगता है और नहीं वियर करते हो तो कैसा होता है। टेरेस पे हम विदाउट वियरिंग स्लीपर अगर चले आफ्टरनून के टाइम में तो गाइस थोड़ा सा ये इम्पॉसिबल होता है बिकॉज सन की रेस ज़्यादा होती है आफ्टरनून में, ठीक। सो ये एक्सपेरिमेंट आपको बताया है, फाइन। नाउ कम टू द बोर्ड गाइस। गाइस प्लीज स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन व्हिच वी हैव सीन द पिक्चर। अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे जिसका हमने पिक्चर देखा। हमने क्या पिक्चर देखा कि वो दो बॉल था या दो पॉट है जिसमें ना पानी फिल किया दोनों के अंदर, एक को घर के अंदर रखा है और दूसरे को घर के बाहर रखा है, फाइन। अब अपने को देखना है कि घर के अंदर जो मैंने रखा है उसमें कितना टेम्परेचर और कितना हीट होता है, जो घर के बाहर रखा है टेरेस पे उसमें कितना हीटिंग आता है या कितना टेम्परेचर आता है, राइट। अब वो सेम मुझे तीनों टाइम पे देखना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का देखना है। सो सी गाइस, ऑलमोस्ट जो मॉर्निंग और इवनिंग का होगा आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल दिखाई देगा, बट जो आफ्टरनून का होगा वो आपको चेंजेस दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड मैंने क्या एग्जाम्पल दिया आपको, स्लीपर वेयरिंग चप्पल का दिया था, राइट, कि अगर मैं घर में विदाउट वेयरिंग स्लीपर्स में वॉक करती हूँ तो मुझे उतना फील नहीं होगा, बट वही सेम अगर मैं टेरेस पे आफ्टरनून के टाइम में विदाउट वेयरिंग स्लीपर वॉक करती हूँ तो आई फील लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस समय, सो हीट होगा, गर्मी होगी, सो शायद मैं वो वॉक नहीं कर पाऊँ, राइट। ऐसा होता है, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल क्या बताया, समर वेकेशन के टाइम हम सब गाँव जाते हैं, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम आफ्टरनून में किस तरीके से वॉक करते हैं, राइट। ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस वी हैव एन एक्सप्लेनेशन व्हिच इज गिवन ऑन द बोर्ड पे दिया है, हम वो देखेंगे, उससे रिलेटेड दिया है। सी गाइस, एक्चुअली क्या है, हमारा दो वेस होता है, एक कॉन्टिनेंटल होता है दूसरा ओशनिक होता है, राइट, या सेकेंड टाइप सेकेंड वेस बोलेंगे तो कोस्टल एरिया होता है। सी व्हाट द मीन ऑफ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया क्या है, नदी के किनारे वाले जमीन को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं, राइट। अभी कॉन्टिनेंटल क्या होता है, जो लैंड से कनेक्ट होता है, कॉन्टिनेंटल इट मीन्स जो जमीन से कनेक्ट होता है, कोस्टल क्या होता है, जो नदी के किनारे वाले जमीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं, फाइन। अब एक्चुअल होता क्या है गाइस, कि हमारा जो कोस्टल एरिया पे होता है जो टेम्परेचर होता है वो दिन में कम होता है और रात के समय टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, बट कॉन्टिनेंटल में अपोजिट होता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर कम होता है। Now guys, you give me the reason. क्यों? Yes, I got the point कि आप क्या बोलना चाहते हो? Continental में दिन में temperature ज़्यादा क्यों होता है? Because अपना water vapor ज़्यादा होने पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो vaporing होता है, वो dry होता है। और dry होने की वजह से यहाँ पर temperature coastal region के temperature से अलग होता है। Yes. Now come to the point, guys. Shrutya. कोस्टल मैंने क्या होता है, दिन में इसका टेम्परेचर कम होता है, राइट। सी इन कोस्टल एरियाज बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ सी वाटर, वाटर वेपर गेट मिक्स्ड इन द एयर। गैस, सी गैस, कोस्टल रीजन, कोस्टल का मतलब मैंने बताया। अब ये क्यों ऐसा होता है, लाइक कि वहाँ पे टेम्परेचर दिन में कम होता है रात में ज़्यादा होता है, सो गैस ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ सी वाटर। सी सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, बहुत जल्दी ये पानी गर्म नहीं होता है और गर्म हो गया सो कूल होने में बहुत टाइम लेता है, डन। यस, सो बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ सी वाटर, पानी को गर्म होने की वजह से वाटर पेपर गेट्स, जो हमारा वाटर पेपर मतलब धूप होता है, सन की रेस आता है, सो पानी क्या होता है, ऊपर के बाफ बन के ऊपर की तरफ जाता है, राइट। सो दैट्स नोन एज द वाटर पेपर। सो जो वाटर पेपर होता है किसके साथ मिक्स हो रहा है, एयर के साथ मिक्स हो रहा है। सो गाइस, जब एयर के साथ मिक्स होता है सो हम कोस्टल एरिया में ज़्यादातर देखेंगे जो हवा होता है ना वो अपने साथ क्या लेता है, मॉइस्चर लेता है, मॉइस्ट हो जाता है, मॉइस्ट मतलब नमी, फाइन। सी हाँ, दिस वाटर पेपर होल्ड्स द हीट इन द एयर। अब जो वाटर पेपर था मतलब जो बाफ बन के ऊपर की तरफ जा रहा है हवा में, सब वो क्या होल्ड कर रहा है, हीट होल्ड कर रहा है, मतलब गर्मी किसमें होल्ड किया है, एयर में। अब जब वाटर पेपर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस एयर में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, मतलब नमी होगा, सो वो कूल होने में टाइम लगता है। बट ये आपको कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं होता है, मतलब मैंने क्या बताया, कॉन्टिनेंटल किसको होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं। सो ये जो सिचुएशन यहाँ पर होता है ना वो अपोजिट होता है कॉन्टिनेंटल में। देन आई होप आपको
समझ में आया होगा द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन एंड क्वांटिटी. क्वेश्चन का मतलब समझा, वहाँ पे टेम्परेचर दिन में क्या होता है, कम होता है. बट क्वांटिटेटिव में क्या होता है, टेम्परेचर दिन में ज़्यादा होता है. सो क्लियर गाइस, वी हैव सीन द थ्री जोन्स ऑफ टोराइड, टेम्परेट एज वेल एज द फ्रीज जोन. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सॉल्व द थ्री क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर. इसके अलावा हमने एक और एक पिक्चर देखा जो आपके टेक्स्टबुक में दिया था, राइट. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज ऑफ योर होमवर्क. सो यू विल प्लीज गाइस गाइस टेक आउट योर नोटबुक विद पेंसिल और द पेन एंड नोट डाउन योर होमवर्क. सो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था यही आपका क्या है, होमवर्क है. फाइन, सो यू विल प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. ओके, ये क्वेश्चन आपको लिखना है. क्वेश्चन के बेस पे आंसर मैंने आपको बता दिया है कि 0 degree and 23 degree 30 minute नॉर्थ एंड साउथ, इसका आंसर क्या होगा. सो परपेंडिकुलर रेज ऑफ द सन बिटवीन 0 degree and 23 degree 30 minute नॉर्थ एंड साउथ. फाइन, आपको पूरे सेंटेंस में कंप्लीट करना है आंसर. ओके, सो कितने क्वेश्चन है आपके पास, 1, 2, 3. आंसर भी आपको यहाँ पे दिया है. फाइन, सो गाइस नोट डाउन योर क्वेश्चन. क्वेश्चन को नोट कर लो, कंप्लीट कर लो. कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आई थिंक आपको पता होगा कि आपको ग्रुप में सेंड करना है. इफ यू हैविंग अ डाउट रिलेटेड टू द टॉपिक और रिलेटेड टू द सब टॉपिक, सो यू कैन आंसर. फाइन, थैंक यू सो मच.